सो हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। हालांकि आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके देख लिए होंगे जो कि आपको फ़ोन अच्छा बता रहे हैं, कोई बुरा बता रहा है, कोई हीटिंग इशू बता रहा है, बट प्रोबेबली मैं ये रिव्यू मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। और एक्चुअली बेसिकली मैं इस वीडियो में केवल इशू ही फेस करने वाला हूँ, एक रिव्यू मत कहिए आप इसे। जो जो इशू मैंने अभी तक 3 या 4 दिन में फेस किए हैं वो मैं आपको सारे बता दूंगा इस वीडियो में। और ये डिवाइस मेरा खुद का ख़रीदा हुआ है, तो ये मत बोलना कि सैमसंग ने इसको पैसे दिए हैं, रियलमी ने इसको पैसे दिए हैं, या फिर रिव्यू रियल मतलब शाओमी ने इसको रिव्यू यूनिट नहीं भेजा तो इसलिए बुराइयां कर रहा है। बेसिकली मैंने 4 दिन तक फ़ोन यूज़ किया, तो मुझे क्या क्या कमियाँ इस फ़ोन में देखने को मिली वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप डिसलाइक कर रहे हो वीडियो को तो मुझे रीज़न बता के जाना। वहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप 15,000 रुपये का ये फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो इसमें क्या क्या कमियाँ हैं और रियल लाइफ में क्या क्या इशू आपको फेस करने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो विदाउट ए इशू ये वीडियो यहाँ पे बंद करके और आप जाके ये फ़ोन ख़रीद सकते हो, क्योंकि गेमिंग के लिए फ़ोन परफेक्ट है। बट रियल लाइफ में जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको क्या क्या इशू फेस करने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात करें यहाँ पर, सबसे पहले बात ये कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 200 ग्राम का इसका वेट दिया हुआ है। और इवन वेट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूटेशन इसका ठीक नहीं किया गया है। जैसे आप इसे सिंगल हैंड में अगर आप इसे यूज़ करोगे यहाँ पे, तो सारा वेट इसका आगे की तरफ जा रहा है। अगर आप सिंगल हैंड में इसे फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा डर रहेगा। अगर आप कवर लगा के यूज़ करोगे तब ज़्यादा वेट हो जाएगा, और विदाउट ए कवर कम वेट रहेगा। तब भी इशू ये है कि अगर आप सिंगल हैंड में इसे यूज़ कर रहे हो और आप ऐसे इंसानों बार बार फ़ोन को सिंगल हैंड में यूज़ करते हो, और आपको हमेशा डर रहेगा कि फ़ोन आगे की तरफ गिर नहीं जाए, क्योंकि इसका जो सारा वेट है वो आगे की साइड में यहीं पे दिया हुआ है। तो ये सबसे पहला इशू है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा भारी है। जिन लोगों को तकरीबन 180-190 ग्राम तक का फ़ोन चल जाएगा, वो 200 ग्राम काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा केवल कवर लगाने के बाद में। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जो कवर लगा के फ़ोन यूज़ नहीं करते, विदाउट ए कवर फ़ोन यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन को ऐसे सिंगल हैंड में यूज़ करोगे तो आपको आगे की साइड में वेट ज़्यादा लगेगा, जो कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया गया है। अगर आप बात करते हो सैमसंग गैलेक्सी M30s की, तो M30s का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ठीक तरीके से किया गया है, बट वो फोन प्लास्टिक का आता है, ये फ़ोन ग्लास का आता है, तो थोड़ा सा इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली कमी यही है कि फ़ोन की विड्थ है जो कि चौड़ाई है। अगर आप Realme XT इसी रेंज में यूज़ करते हो तो Realme XT की जो चौड़ाई है वो पतली है, मतलब आपको होल्ड करने में आपको आसानी होगी, बट इस फ़ोन को होल्ड करने में आपको आसानी नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे विड्थ दी हुई है वो भी ज़्यादा है, और इसका जो वेट है वो भी आगे की साइड में ज़्यादा है। तो मेजर प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो लोग फ़ोन सिंगल हैंड में यूज़ करते हैं, फिर जिनके छोटे हाथ हैं और जो डेली लाइफ के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। अब वैसे इंडिया में सब लोग कवर लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं तो गिरने का कोई डर नहीं है। बात करें अगर सेकेंड प्रॉब्लम की, तो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इस फ़ोन की ऑटो ब्राइटनेस सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता। अगर आप सनलाइट कंडीशन में जाते हो, कंपेयर टू Realme XT बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास Realme XT भी है और M30s भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस फ़ोन की ब्राइटनेस ऑटो लेवल है वो ठीक नहीं लगा। कई बार आउटडोर कंडीशन में कई बार ज़्यादा नहीं होता है, कई बार इंडोर कंडीशन में भी कम हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है अगर आप फ़ोन को फ्रिक्वेंटली बाहर और अंदर यूज़ करते हो तो। हालांकि अपडेट से ठीक हो सकता है, बट ये एक ऐसा इशू है जो कि काफ़ी अनोइंग लगता है, बार बार ब्राइटनेस कम करना, बार बार ब्राइटनेस ज़्यादा करना। सो मैंने आपको बता दिया कि ऑटो ब्राइटनेस फंक्शन ठीक से वर्क नहीं करता। और आप लोगों ने सुना होगा शायद इस फ़ोन में और मतलब लिक्विड कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है, तो फ़ोन हीट नहीं होता। और आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि ये फ़ोन हीट नहीं जाता और 50 डिग्री तक जाता है तो नॉर्मल है, बट एक्चुअल मैं राजस्थान में रहता हूँ, अभी जयपुर में, तो वहाँ पे अभी भी सर्दी आ चुकी है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता, तब भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हीट करता है। स्पेशली जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर CPU का ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा हीट कर रहा है, और गेमिंग के दौरान इतना हीट नहीं कर करता है, पर यहाँ पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इससे, अगर आप यूट्यूब के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे इस एरिया में जो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, इस एरिया से ये फ़ोन हीट करेगा और काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा। अगर आप 10 मिनट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तब भी ये काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा, तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो गेमिंग के लिए तो गेमिंग में कोई इशू नहीं होगा, बट डेली लाइफ में अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग करते हो, या फिर KineMaster से एडिटिंग करते हो, या फिर फिल्मोरा से एडिटिंग करते हो, तो वहाँ पे जब GPU इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, बट CPU इतना बेकार है कि जब CPU पे लोड पड़ता है, जब वीडियो एडिटिंग होती है, तो वीडियो रेंडरिंग में तकरीबन एक 400 MB की वीडियो रेंडरिंग में कम से कम 20 से 25 मिनट लगाना, मतलब तो 20 मिनट ले लेगा, और जबकि Realme XT जो कि Snapdragon 712 के साथ में आता है, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट में रेंडर कर देता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, हालाँकि गेमिंग के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बट डेली लाइफ में अगर आप एडिटिंग करते हो या फिर मल्टीटास्किंग के लिए, इसीलिए तो इसमें 6 GB की रैम, जो लोअर वेरिएंट 6 GB का ही दिया हुआ है, क्योंकि
उस समय जब ये सीपीयू पे जब लोड पड़ रहा है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। सो अगले रीजन की बात करें तो यहाँ पे इस प्राइस रेंज में सभी फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर आप रियलमी XT कम्पिटिटिव की बात करोगे। क्योंकि मैं इसकी बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है और गेमिंग में इसमें भी कोई इशू नहीं होता है। तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है और IPS डिस्प्ले दी हुई है, जो कि सनलाइट कंडीशन में इसमें कहा गया है कि 520 निट्स ब्राइटनेस दी हुई है, 520 निट्स की ब्राइटनेस दी हुई है, जो कि सनलाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बट इन रियलिटी कंपेयर टू Realme XT इतना अच्छा सनलाइट कंडीशन में ये फ़ोन वर्क नहीं कर पाता और इतनी अच्छी ब्राइटनेस वर्क नहीं कर पाती। और मैंने आपको बताया कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी हुई है, तो वो भी एक ड्रॉबैक पॉइंट है उन लोगों के लिए जो कि पंक्चर कलर पसंद करते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप वीडियो वगैरह या फिर मीडिया कंजप्शन के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो उस केस में फ़ोन अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है। हालांकि इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया, बट रियल लाइफ में HDR के सारे वीडियोज़ तो होते नहीं है, तो उस फ़ोन का उस फीचर का तो यूज़लेस फीचर। एक तरीके से एमोलेड डिस्प्ले का फीचर काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले की सुविधा देता है। अगले फीचर की बात करें तो फिंगरप्रिंट का प्लेसमेंट हालांकि आपकी आदत लग जाएगी धीरे धीरे, बट अभी भी ऑकवर्ड पोजिशन पर, क्योंकि कई बार आपको फिंगरप्रिंट मिसप्लेस हो जाता है, फिर यहाँ पे आ चल जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आप ढूंढते रहते हो, क्योंकि फ़ोन पहले ऐसे ही यूज़ किया ना, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और इस रेंज के सभी कंपटीटर की बात करें तो वहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, जो कि इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। तो इसमें एमोलेड मतलब मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले के साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी नहीं दिया गया है इस फ़ोन में, जो कि इस प्राइस रेंज में आता है। अब सभी लोग गेमिंग के लिए तो स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं, और सभी लोग खरीदते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी स्पेक्स मिले, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिले, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिले। तो उस केस में, उस सिनेरियो के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इस फ़ोन में आपको पहली बार MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बट इन रियल लाइफ में आप जिसे यूज़ करते हो तो कुछ भी हैवी काम करोगे यहाँ से हीट होगा और इतना अच्छा स्नैपड्रैगन जितना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको जी कैम पसंद है या फिर गूगल कैमरा वगैरह आप यूज़ करते हो, उस केस में आप MediaTek के प्रोसेसर के साथ में ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, वो भी एक ड्रॉबैक पॉइंट है। तो यार केवल गेमिंग के लिए ही फ़ोन लेना तो ठीक नहीं ना। और फ़ोन में जब भी आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे, ज़्यादा देर तक हॉटस्पॉट ऑन रहता है तो आपका यहाँ से डिवाइस हीट करेगा, मतलब यहाँ से, तो मेजरली इसमें हीटिंग का इशू है। MI के फ़ोन तो फेमस है हीटिंग के लिए, बट आपको सारे लोग कह रहे हैं कि हीटिंग नहीं है, हीटिंग नहीं है, बट एक्चुअल में इस डिवाइस में खरीदने के बाद में जैसे आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, जो मल्टीटास्किंग करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, तब भी यहाँ पे हल्का हल्का हीट होगा, जो कि एक मेजर इशू है मेरी नज़र में। अब तक का सबसे कूलिंग डिवाइस बताऊं तो शायद Realme XT मेरी नज़र में सबसे कूलिंग डिवाइस है। अगर आप इसमें हॉटस्पॉट भी यूज़ करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हो, इस फ़ोन का टेम्परेचर 34-36 से ज़्यादा कभी नहीं जाता, जबकि इस फ़ोन का टेम्परेचर तकरीबन 44 तक चला जाता, जो कि गलत बात है। और यहाँ पर सबसे ड्रॉबैक पॉइंट ये भी है कि अगर आप MIUI में कहीं भी मान लीजिए कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हो, किसी फोल्डर में जाते हो, यहाँ पर इस फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो यहाँ पे अनोइंग से एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे। यार हम लोग 15,000 दे रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट वाला मिलना चाहिए ना। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मान लीजिए आपने सुबह, आप जैसे इंसान हो जो 24 घंटे नेट ऑन रखते हो, अगर आप फ़ोन में नेट ऑन करके रात को सोते हो तो सुबह तक आपको टन्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जो कि आपको शो करेगी MI वीडियो, MI पे सबके एड आपको मिलेंगे। मतलब MI पैसा वहीं से कमा रहा है, बट यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार होता जा रहा है। अगर आप कोई ऐप भी इंस्टॉल करते हो वहाँ भी एड मिलेगा, सेटिंग में जाते हो कहीं भी, मतलब कुछ भी आप करते हो, अनडाउटली आपको हर जगह पे एड देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लाइट दी गई है LED नोटिफिकेशन लाइट, जो कहीं लोगों की प्रायोरिटी होती है, पर वो यूज़लेस लाइट है, क्योंकि इतनी छोटी सी लाइट है कि अगर आपका फ़ोन दूर पड़ा हुआ है और आपके मतलब कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आपको शो नहीं करेगा, लाइट शो नहीं करेगी, ब्लिंक तो करेगी लाइट पर दूर से शो नहीं करेगी, तो यूज़लेस फीचर है। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दी होती तो अच्छी बात होती। P2i कोटिंग की बात करें तो P2i कोटिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, मतलब P2i कोटिंग से आप पानी वगैरह में फ़ोन गिर जाता है, अगर पानी वगैरह लग जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। फ़ोन में आपको पहली बार 4500 mAh की बैटरी दी गई और 18 वोट का चार्जर दिया हुआ है। फ्रेंकली अगर मैं कहूँ तो जब से Realme 3 Pro लॉन्च हुआ था तब से मैं मान लीजिए आप कह सकते हो कि WooCharge 3.2 का सपोर्ट करता है वो फ़ोन, तो उसी का मैं फ़ैन हूँ। और यहाँ पर 18 वोट का चार्जर देने के बाद में भी ये फ़ोन 2 से 2.5 घंटे में जाके चार्ज होगा। इसी के कम्पिटिटिव Realme XT की अगर आप बात करते हो तो वो फ़ोन 1 से 1.25 घंटे में चार्ज हो जाता है, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा करने वाली चीज़ है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। और MediaTek का प्रोसेसर काफ़ी हद तक ठीक नहीं होता है, मतलब आप अगर आप कहोगे कि यार MI है और MI काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यूज़ करती है, बट अगर आप पहले की हिस्ट्री भी अगर आप देखते हो तो MI ने आज तक MediaTek का प्रोसेसर यूज़ नहीं किया, जो कि उसके हाई एंड डिवाइस थे।
गेमिंग के लिए फ़ोन स्मार्टफोन अच्छा है, बट अगर आप रियल लाइफ में फ़ोन को यूज़ करोगे जहाँ पे सीपीयू का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ कमियाँ थी मेरे को लगी रेडमी नोट 8 प्रो में। मैंने ऐसा ही वीडियो सैमसंग M30s का बनाया था, बट लोगों ने कहा कि यार तू तो बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, बट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब।